वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर थ्री। इंपॉर्टेंट क्यों, कुछ नया सीखोगे? फिक्स एसेट्स तो आइडेंटिफाई हो ही जाएंगे, हो जाएंगे। चलो जल्दी से, ट्रेड क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस अक्रूड। एक्सपेंसेस अक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। करंट लाइबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी, इंटरेस्ट अक्रूड इज अ करंट लाइबिलिटी। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इज अ करंट लाइबिलिटी। कैपिटल अकाउंट कैपिटल है। फ्री होल्ड प्रमिसेस नॉन करेंट एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स। फर्नीचर एंड फिटिंग्स फिक्स्ड एसेट्स। स्टॉक इन हैंड करेंट एसेट्स। ट्रेड डेटर्स करेंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस करेंट एसेट्स। आया बैंक ओवरड्राफ्ट ना बड़ा मतलब डिबेटेबल आइटम है। इट इज अ करेंट लाइबिलिटी, ये आपका बैंक बैलेंस ही है, ये आपका बैंक बैलेंस ही है जो अभी टेम्परेली नेगेटिव हो गया है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? व्हेन द विड्रॉल्स आर मोर देन द डिपॉजिट्स। जब तक स्पेसिफाइड ना हो सकता है कि मैंने लोन ही ले रखा हो और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चली रही है नॉन, वो हमेशा ही रहेगी और मेरे पास 5 साल का टाइम है इसको क्लियर करने का। तो स्पेसिफाइड है बैंक ओवरड्राफ्ट, ब्रैकेट्स में लिखा है लॉन्ग टर्म, सिर्फ और सिर्फ तभी उसको लॉन्ग टर्म मानना। अदरवाइज बैंक ओवरड्राफ्ट आपका नेगेटिव बैंक बैलेंस ही है। बैंक बैलेंस फेवरेबल है तो करंट एसेट है, अनफेवरेबल है तो करंट लायबिलिटी है। जैसे ही हम कुछ पैसे डिपॉजिट करेंगे वो फेवरेबल हो जाएगा। सो प्लीज प्लीज जो मर्जी बोलें कुछ ऑथर्स, अनलेस स्पेसिफाइड बैंक ओवरड्राफ्ट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ करंट लायबिलिटी। अब फिक्स्ड एसेट्स पे तो बस फिक्स्ड एसेट्स का टोटल कर देंगे जो जो आइटम्स हैं। करंट एसेट्स में करंट एसेट्स का कर देंगे, करंट लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज का कर देंगे। मजेदार पार्ट, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो ये नहीं पता तो नहीं कर सकते ना, कैसे सपने जोड़ना आएंगे? वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल तो आप सोचेंगे कैपिटल से रिलेटेड कुछ होता होगा, नहीं। वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट्स। आपके पास कितने एसेट्स हैं जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट होने वाले हैं या ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड हैं, माइनस जो जो आपको इमीडिएट पेमेंट्स करनी है बाहर वालों की। मेरे पास करंट एसेट्स है 10 लाख और मेरी इमीडिएट पेमेंट्स है 2 लाख रुपए, तो वो तो मुझे चाहिए ना पेमेंट्स के लिए। तो कह रहा 10 लाख में से 2 लाख माइनस कर दो, जो बच गया 8 लाख वर्किंग कैपिटल, बिजनेस चलाने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए आपके पास कितना पैसा पड़ा है। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है मनी अवेलेबल विद द बिजनेस टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस। वर्किंग बिजनेस करने का खर्चा, कैपिटल कितना आपके पास पैसा पड़ा है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, क्लियर? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इज द टोटल मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। टोटल मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ध्यान से देखना इसका फॉर्मूला होता है। दो फॉर्मूले होते हैं, एक एसेट साइड अप्रोच होती है, एसेट साइड अप्रोच होती है, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो नॉन करंट एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। कह रहा टोटल पैसा कितना इन्वेस्टेड है, कह रहा इतने मेरे पास टोटल एसेट्स हैं माइनस इतने मुझे बाहर वालों के पैसे देने हैं। तो ये क्या है, नॉन करंट प्लस करंट क्या होते हैं? टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। और दूसरा फॉर्मूला होता है उसका, कैपिटल प्लस डेट। कैपिटल प्लस डेट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स इफ एनी। अब ध्यान से देखिए, दोनों से सेम आंसर आएगा। अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये एक फॉर्मूला तो एसेट साइड अप्रोच है कि टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल नहीं, कैपिटल होता है ओनर ने कितने पैसे डाले। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है कि बिजनेस में टोटल पैसा लगा कितना है। मैंने अगर लोन भी लिया है तो वो पैसा तो बिजनेस में इन्वेस्टेड है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है टोटल मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, टोटल मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो नॉन करंट प्लस करंट, फिर सर करंट लाइबिलिटीज माइनस क्यों रही है? क्योंकि भाई साहब वो पैसे तो अभी आपको पेमेंट करने हैं, वो अब बिजनेस में इन्वेस्टेड रहेंगे नहीं। मैंने अपने पैसे डाले 5 लाख। चलो मैं एसेट साइड अप्रोच पे आता हूँ पहले ना, फिर लाइबिलिटी साइड अप्रोच एक्सप्लेन करूंगा, दोनों एक्सप्लेन करूंगा। मेरे पास, मैंने टोटल पैसे कितने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं? कह रहे हैं आपके पास फिक्स्ड एसेट्स है 5 लाख के, करंट एसेट्स है 5 लाख के, तो टोटल आपके पास क्या है, आपके एसेट 10 लाख। कह रहे मैंने तो 4 लाख तो बाहर वालों की पेमेंट करनी है। कह
से चलो उसको माइनस कर देते हैं, तो 10 लाख माइनस 4 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल मनी टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस क्या है आपके, 6 लाख। और एक फॉर्मूला है कैपिटल प्लस डेट, कैपिटल प्लस डेट मतलब कह रहे 5 लाख मैंने अपने बिजनेस में अपने पैसे डाले हुए हैं और बाहर से लोन ले रखे हैं 3 लाख रुपए, तो कह रहे फिर टोटल मनी इन्वेस्टेड कितना है, 8 लाख। कह रहे लेकिन कुछ लॉसेस भी हैं जो मैंने अभी राइट ऑफ नहीं करे, कह रहे उनको राइट ऑफ करो। तो फिक्टिशियस एसेट्स क्यों राइट ऑफ करे, क्योंकि कैपिटल का ताकि करेक्ट फिगर आ सके, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट्स वो एक्सपेंसेस ही हैं, वो लॉसेस ही हैं जो कैपिटल में से एडजस्ट हो जाने चाहिए थे, बट ड्यू टू सम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपने अभी करे नहीं, तो आप कर दो अगर करेक्ट वैल्यू निकालनी है कैपिटल एम्प्लॉयड की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड, ध्यान से देखना मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। तो नॉन करेंट एसेट्स कितने हैं, 40 प्लस 32 80, तो नॉन करेंट एसेट्स हो गए 80, करेंट एसेट्स 78, 84, 84, 400, ठीक है जी। अब आपकी करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज हैं 45, 49, 50, 50,000 लॉन्ग टर्म नहीं, 51,000, ये भी 1,000 भी है, 51,000, ठीक है ना, ये भी करंट लायबिलिटी है। और आपकी नॉन करंट लायबिलिटी डेट, डेट होता है बोरोड फंड्स, डेट क्या होता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज का दूसरा नाम। कैपिटल को बोलते हैं ओनर्स फंड्स, ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, नॉन करेंट लायबिलिटी जो आपने बाहर से बोरो किया हुआ है। तो आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज कितना है 20K, कैपिटल कितना है 93,400। अब ध्यान से देखना प्लीज, एसेट साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच क्या कहती है कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो इसलिए फॉर्मूला हो गया नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ये बस ऐसी ब्रैकेट्स में करके दिखा रहा हूँ कि हम हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, तो सीधा नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल भी कर सकते हैं, क्योंकि हम पिछले स्टेप में वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर चुके होंगे। नॉन करेंट एसेट्स कितने हैं, 80,000, करेंट एसेट्स कितने हैं 84,400, करंट लायबिलिटीज कितने हैं 51,000, 51,000, तो आपकी 164,400 माइनस 51,000, तो 1,13,400, 64,400, ठीक है जी। लायबिलिटी साइड अप्रोच, क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, लायबिलिटी साइड अप्रोच, कैपिटल प्लस डेट, कैपिटल प्लस ना 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 हाँ मतलब फिक्टिशियस इसमें है नहीं, तो इस समय सिर्फ कैपिटल प्लस नॉन, वो तो पूरा फॉर्मूला हो गया कि माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, इसमें कुछ है ही नहीं, तो कैपिटल प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज, कैपिटल कितनी है आपकी 93,400, और नॉन करेंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरिंग कितने हैं 20,000, तो 1,13,400, हेंस प्रूफ भी हो गया, ठीक है ना, मैच कर रहे हैं, क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग कैपिटल तो डायरेक्ट है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये एक इंटरेस्टिंग टर्म है कैपिटल एम्प्लॉयड।